फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो इधर देखिए, दोपहर के समय हो रहे हैं। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून, और अपनी भाषा में बोलते हैं तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम लोग का आदत पड़ गया है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब जिसका जो आदत पड़ा रहता है उसी आदत से अपने कोई बाज नहीं जाता है। और इधर देखिए, गर्मी से काफ़ी आज हम आरो परेशान हैं। और इधर देखिए, हम बैग पैक कर रहे हैं, इधर सारे सैंडल जूता सब ला के रख दिए हैं, इधर झोले में भी हैं इधर। तो हम सोच रहे हैं कि इसको सब इकट्ठा कर लेते हैं, कितना जूता चप्पल सैंडल। ये मेरा है मम्मी ना। हाँ तो ये है, तो ये बैग पैक कर रही थी तो हमें आर्यन का गुल्लक मिला, उसका गुल्लक मैं फोड़ दी, उसका तू कचरे में डाल के। हाँ जा रहे कचरे में डालने, जा डाल दो। उसका गुल्लक फोड़ी तो 300 रुपया उसके गुल्लक में से निकला है। और आप लोग को बता दे रही हूँ कि हमारा टिकट निकल गया है फाइनली, और जो आधा अधूरा पैकिंग था अब मैं जा रही हूँ उसको पैकिंग करने। और ये बेड वगैरह जो सब है इसको मैं ढक दूँगी, क्योंकि नहीं तो काफ़ी गंदा हो जाएगा। अब तो टिकट निकला है तो इधर गुल्लक फोड़ गया है। आर्यन आया, उसको सोचा कि मम्मी बगैर मुझसे पूछे गुल्लक फोड़ दी है, क्योंकि अब सामान ले जाना बहुत भारी है, एक सूटकेस बैग वगैरह बाहर लेके जाओ जितना सामान रहेगा। अब पैसा तो वजन नहीं होगा, लेकिन उतना बड़ा गुल्लक रखो थोड़ा वजन तो काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी क्या मतलब, जितना कम हो सके उतना, नहीं तो फिर ये तो नहीं है कि चलो हमारे पास दुकान है, चलो कहीं से पैसा आ रहा है गुल्लक में डाल दे रहे हैं। मान लो गांव में आए थे, इधर उधर आते जाते थे, पैसा मिलता था गुल्लक में डाल दे रहे हैं। अब मुंबई में कहाँ आना जाना रहेगा, किसके पास आएंगे, कौन अब आएगा कि इन बच्चों को पैसा देगा गुल्लक में डालने के लिए। मैं निकाल दी हूँ, खर्चा भी काफ़ी है अभी, ट्रेन का खर्चा, टिकट निकल गया है 5,500 का, 2 टिकट निकला है, एसी का टिकट है। अभी मेरा तो टिकट नहीं लगेगा ना। लगेगा क्यों नहीं लगेगा तुम्हारा टिकट, तो मैं 2 टिकट निकलवाई हूँ, 5,500 में 2 टिकट निकला है। तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ जो सामान इधर और आधे अधूरे हैं सब उसको इकट्ठा इस बैग में कर लूँ, क्योंकि वो वाला बड़ा वाला बैग उधर पैकिंग करके रख दी, उसमें कुछ रखना नहीं है। इसमें ही जो है कि नए पुराने डेली के कपड़े जो है रखना है। और बेड का चादर उतार दो, चलो ढकते हैं उसको, ढक देते हैं, चादर शाम को धो के डाल देते हैं, कल सूख जाएगा। तो हम जा रहे हैं यही सब काम करने, आप लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को भी मेरे प्यार दीजिए। बार बार कह रहे हमको अच्छा नहीं लगता है बार बार, लेकिन क्या करें, आप हमारी फैमिली हैं, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, मैं अपने बच्चों को उस मुकाम पे लेके जाऊं जैसे मैं अपना हाथ पैर बढ़ा रही हूं, वैसे सक्सेस हो जाऊं, किसी का बात नहीं सुनना पड़े, क्योंकि हमें इतना बात सुनना पड़ता है मैं आप सबको बता नहीं सकती हूं। उसी संघर्ष को झेलने के लिए मैं अपने बच्चों को लेके बाहर जाए। आप लोग को कहना है कि दीदी आप अपने ससुराल में एडमिशन करवा दीजिए बच्चों का, वहीं PhD करेंगे तो ठीक है, ससुराल में कराऊँ, यहाँ भी हम अगर कराएंगे तो फिर ये रहेगा कि मतलब क्या है कि मुझे भी बाहर निकल के कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो हमारा सब व्यवस्था वहाँ पे है, अभी यहाँ किसी चीज़ का साधन नहीं है, आप लोग को पता ही है, बारिश का समय आ गया है, थोड़ा सा बहुत हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बोल वीडियो में बता नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो इंसान शुरू से बाहर रहता है तो उसको थोड़ा सा घर पर रहना मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बहुत झेलना पड़ता है। एक रूम में सारी व्यवस्थाएं रहते हैं, इंसान सिटी में मैनेज कर लेता है, लेकिन गांव में इतना बड़ा घर रहता है मैनेज कर पाना मुमकिन ये सब रहता है। हमें बच्चों को लेके बहुत डर लगता है, और मैं बाहर रहूँगी तो थोड़ा कुछ काम भी करूँगी, हमारा सिलाई मशीन है, सारी व्यवस्थाएँ हमने मेरे मुंबई में ही हैं, और थोड़ा सा हम स्ट्रगल करेंगे तो हमको ही समझ में, मतलब स्ट्रगल करने से इंसान का पैर मजबूत होता है, तो हम अपना पैर अपने आप मजबूत कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में देखो बने के सब साथी हैं, बिगड़े के कोई नहीं है। तो चलो जहाँ से इंसान जैसे जिस तरीके से किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है उसके जरिए इंसान आगे बढ़ जाए, बस यही मैं भगवान से, जैसे मैं अपना हाथ पैर आगे बढ़ा रही हूँ आप हमें इतना सफलता देना,
कि आप अपने सामने झुकाना, लेकिन किसी इंसान के सामने हमको गिराना और झुकाना मत। इंसान मतलब आप लोग को नहीं कह रही हूँ, कुछ अपने ऐसे होते हैं जिसे देखिए हर एक फैमिली में यही मैटर होता है कि इनके पति नहीं हैं तो ये दब के रहें, ऐसे करके रहें, मतलब मैं जो बोलूँ वो ये सुने, ये करें। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पति नहीं हैं तो वो अपने बच्चों की इच्छा मार दे, अपनी इच्छा मार दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है, ख्वाहिश है, पूरा करना है। नहीं, इंसान ज़्यादा करेगा थोड़ा करेगा, बस उसमें ही हम खुश रहना चाहते हैं और हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम चल रहे हैं अपने काम की तरफ, तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं मिलती हूँ। फैमिली या मम्मी सब वो तोप मार दिए, तोप मार दिए, फर्नीचर लकड़ी का सामान खराब होने का चांस रहता है, बारिश वारिश बहुत हो रहा है। तो इस बार से हम लोग जब भी मुंबई आज तक जाते तो उनका बेड भी रहता है भैया भी साथ में उधर कोने में चला जा रहा है, वो लग लगाया है। और इधर देख सकते हैं मैं और मम्मी लग गए हैं पूरा एकदम काम करने में, मतलब इधर नीचे से कर लिए और सब जो कवर है सब अपना चढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो चादर आता था उसी चढ़ा रहे हैं। बेड का क्या कवर आएगा इधर सब हो रहा है। तो हम लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए और ध्यान देते रहिए हमें इसी तरीके से आपसे मुलाकात करके जुड़े रहिए ब्लॉग के अंत तक। फैमिली इधर देखिए, हमने ये देखिए पूरी तरह से बेड को ढक दिया है और चादर मैंने उतार के उधर साइड में रख दी हूँ। जा रही हूँ अभी इसको भिगोऊंगी, फिर उसके बाद एक आध घंटे भिगोने के बाद मैं शाम को साफ करके सुखवा देती हूँ। और धूप भी देखिए निकला हुआ है, धो के साफ करती हूँ। हमारा देखिए ये पैकिंग भी हो गया है, इधर 1 2 3 बस यही, और खाने पीने का जो सामान रहेगा बस, और बकिया ये सब जो अभी खुला है इसको मैं कल सुबह, कल शाम का ट्रेन है 4:30 5 बजे का, तो 5 बजे शाम को है, सुबह नहीं है, तो इसको कल मैं इसको शाम को ही ढक दूंगी। और बकिया कूलर नीचे उतारी हूँ, अभी इसको इस टेबल पे रख दूंगी, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और रूम एकदम सेफ्टी से हो जाएगा, गंदगी से बचा रहेगा। और आर्यन भी इधर थोड़ा मेरा हेल्प कर दिया बेड उड ढकने में। अब मैं जा रही हूँ नीचे, चादर को भिगोऊंगी, साफ करूंगी। तो हमारी पूरी तरह से पैकिंग हो गई है और हम सोच रहे हैं कि अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलती हूँ एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।